हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 की विषय गणित अध्याय 8.5 प्रश्न 8.5 के सवाल नंबर 2 से हल करना सीखेंगे। देखो, आपके पुस्तक में सवाल नंबर 2 में लिखा है, रशीद ने 35.75 रुपए में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए, यानी हमको योग फल ज्ञात करना है। देखो बच्चों, गणित की पुस्तक का मूल्य कितना दिया इसमें, 35.75 रुपए, राइट। और इसमें लिखा है विज्ञान की पुस्तक, अब लिखेंगे विज्ञान की पुस्तक का मूल्य जो इसमें दिया है 32.60 रुपए, हमें इनका योग फल ज्ञात करना बच्चों कि रसीद ने कुल कितना खर्चा किया, हमें योग फल ज्ञात करना बच्चों। तो जोड़ दीजिए आप, 5 0 जोड़ेंगे 5, 7 6 13 की 3 हासिल के 1, 10.5 1 5 6 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 3 6 68 रुपए 35 पैसे 68 रुपए 35 पैसे रसीद ने कुल खर्चा किया। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, राधिका की माँ ने उसे 10 रुपए 50 पैसे दिए और पिताजी ने 15 रुपए 80 पैसे दिए, उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। देखो, राधिका की मां ने, राधिका की मां ने रुपए दिए, कितने दिए, 10 रुपए 50 पैसे 10 रुपए 50 पैसे और राधिका के पिताजी ने रुपए दिए। आप देखो कितने दिए, 15 रुपए 80 पैसे ये 15 रुपए 80 पैसे। अब इसमें लिखा है कि राधिका के माताजी पिताजी ने राधा को कुल कितने रुपए दे दिए, कुल का मतलब योगफल, आप इनका योगफल कर दीजिए। 0 में 0 जोड़ने में 0 होता है, 5 8 जोड़ने पर 13, 13 की 3 हासिल के 1, ये 10.5 1 5 जोड़ने पर 6, 1 3 2, तो ये आ गया हमारे पास में रुपए कितने, 26 रुपए 30 पैसे, ये इसका आंसर आ गया और ये इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार दूसरा और तीसरा सवाल अपन ने हल कर लिया। अब देखो बच्चों, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 20 में कपड़ा खरीदा, 2 मीटर 5 इंच पैंट के लिए खरीदा, उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई, तो देखो कमीज का कपड़ा कितना खरीदा उसने, 3 मीटर 20 सेमी 3 मीटर 20 सेमी और पैंट का कपड़ा पैंट के लिए कितना खरीदा, 2 मीटर 5 सेमी 2 मीटर 5 सेमी। अब अपन को इनको योग पर क्या करेंगे बच्चों, देखो कैसे, अब कैसे करेंगे, 3 मीटर 20 सेमी क्योंकि 1 मीटर 100 सेमी होते, मैं लिख रहा हूं। देखो बच्चों,
चूंकि एक मीटर में कितना सेमी होता है, 100 सेमी, अर्थात मीटर के बाद दसवन के कितने अंक आने चाहिए, 2 अंक। तो ये मीटर है हमारे पास में, 3.20 मीटर लिखूंगा इसको मैं, राइट। अभी 2 मीटर 5 सेमी है हमारे पास में, आए समझ में, तो 2 मीटर 5 सेमी, तो 5 सेमी का कितना मीटर बनेगा, 5 सेमी का बनेगा 0.5, ध्यान देना, ये 5 सेमी का मीटर बनाऊंगा मैं, ध्यान देना, मैंने कल भी सिखाया था आपको, ये मान लो 100 में 100 का भाग दूंगा मैं, तो ये तो देखो ध्यान देना, ये तो हो गया 1 सेमी और ये हो गया 1/100 मीटर, तो 1 सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर, तो 5 सेमी बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए देखो 5 सेमी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 5 से गुणा करो मैं, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा, तो ये आ जाएगा 5/100 मीटर और ये आ जाएगा 5 सेमी, तो 5 सेमी का बन जाएगा 5/100 मीटर, 5/100 मीटर का कितना बन जाता है, ये 7 अंश हमारे पास में, तो 5/100 मीटर का बन जाएगा ये, यहाँ पे 5 से 100 का भाग देंगे तो ये देखो 0.05 मीटर, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 मीटर का 2 मीटर और ये क्या बन गया 5/7, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको 0.05, तो ये आ गया हमारे पास 2.05, 5 को क्या लिखेंगे 0.5, 5 सेमी है ये, आई बात समझ में, अब तो जोड़ेंगे 0.5 जोड़ेंगे 5, 2 में 2 0 जोड़ेंगे 2, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, तो ये क्या 5.25 मीटर, ये इसका आंसर आ गया, तो 3 मीटर 20 सेमी और 2.5 सेमी को जोड़ेंगे तो 20 और 5 कितना हो गया 25 सेमी, 3 और 2 5 हो गया 5 मीटर, तो 5 मीटर 25 सेमी आ गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको आगे के सवाल सिखाऊंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन 5 क्या है, नरेश प्रातः काल दूरी चलता है 2 किलोमीटर 35 मीटर, सुबह सुबह कितना घूमता है नरेश, 2 किलोमीटर 35 मीटर, और सायंकाल दूरी चलता है शाम को घूमता है 1 किलोमीटर 60 मीटर, तो कुल कितनी दूरी घूमेगा ये तो जोड़ना अपन को, ऐसे समझे, देखो कैसे लिखेंगे अपन इसको, हल कैसे करेंगे ध्यान देना, चूंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, अब मैं दोनों में 1000 का भाग दूंगा, तो यहां तो आ गया 1 मीटर बराबर क्या आ गया 1000 1/1000 किलोमीटर, 1 मीटर में कितना होता है 1/1000 किलोमीटर, इसलिए हमें किसका क्या करना है 35 मीटर का, तो 35 मीटर बराबर कितना होगा 35/1000 किलोमीटर, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, ये देखो 35 में 1000 का भाग देंगे हम, तो हमें 3 संख्या छोड़ के क्या आना चाहिए दशमलव, पहली संख्या क्या आएगी 5, दूसरी है हमारे पास 3 और तीसरी कम पड़ गई शून्य लगा देना, तो 35 में 1000 का भाग देने पर 0.0035 आ गया, इसी प्रकार कितना 1 किलोमीटर और 1/1000 मीटर, इसलिए 7 मीटर बराबर होगा 7/1000 किलोमीटर, इसको हम क्या लिखेंगे देखो दसवें के बाद 3 अंकों का प्रसार होना चाहिए, पहला अंक कितना हमारे पास 7, अब 2 अंक बच गए 2 शून्य लगा देना ये किलोमीटर, तो देखो 35 मीटर का बनता है 0.0035 किलोमीटर और 7 मीटर का बनता है 0.07 किलोमीटर, अब देखो कितना बन जाएगा ये, इसमें पर कितना जोड़ेंगे 2, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो इसका क्या बन जाएगा पूरा, तो ये बन जाएगा 2.0035 और ये कितना बन जाएगा 1 में जोड़ेंगे ये हम, देखो 2 में तो ये जोड़ देंगे हम और 1 में हम ये जोड़ देंगे, 1 में जोड़ेंगे 1.007 किलोमीटर, तो देखो 2 किलोमीटर है और 35 मीटर, 35 मीटर का बनता है 0.0035 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर आ गया और 7 मीटर का बनता है 0.0007 किलोमीटर, इसको जोड़ दो आप 5, 7, 12 की 2 ये किलोमीटर लिख देना यहाँ पे, 8 की 1, 3 की 4, 0 की 0.023 ये आ गया, ठीक है बच्चों, इसी प्रकार देखो आप ये सवाल करना।
ये 15 किलोमीटर 268 मीटर, तो देखो 268 कितने मीटर है, तो 268 मीटर का क्या बन जाएगा 10.268। तो कैसे लिखेंगे, 15.268 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर है हमारे पास, ये 7 और 7 मीटर, 7 मीटर का भी देखो हमने ज्ञात किया था, 7 मीटर का बनता है 0.007, तो ये 0.007। ये 500 मीटर है बच्चों, अब 500 मीटर का कैसे बनेगा, 500 में जितने मीटर का किलोमीटर बना रहे हैं, देखो 1 मीटर का होता है ध्यान देना 1/1000, अब जितने मीटर का क्या करना है किलोमीटर, इस 500 मीटर का बनाएंगे किलोमीटर, तो 500 में 1000 का भाग दे लीजिए, ऐसा समझे, तो क्या आएगा पे हमारे पास ये 3 संख्या छोड़ के पॉइंट रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, ऐसा समझे ये तीनों काट देना यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो ये बन जाएगा 0.05000। अब हम इसको जोड़ेंगे बच्चे, देखो 15 किलोमीटर 268 लिखा 15.268, 7 किलोमीटर 7 मीटर को लिखेंगे 7.007 किलोमीटर, और 500 मीटर को लिखेंगे 0.500 किलोमीटर। अब आप जोड़ दीजिए 8, 7, 15 की 5, 1, 1, 6, 7, ये 7 का 7, 2, 0, 5 से जोड़ेंगे तो 2 और 5, 7, 5, 7, 12 के 2, 8, फिर 1, 1, 2, तो 22.775 किलोमीटर, ये कुल दूरी होगी हमारे पास। तो सुनीता कुल दूरी कितनी तय करती है, 22.775 मीटर, और नरेश सुबह और शाम मिलाकर कितना घूमता है, कितना चलता है 3.042 किलोमीटर। अब बच्चों इसका एक सवाल नंबर 7 में फंस गया, वो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, जिस प्रकार मैंने आपको ये सवाल बताए उसी प्रकार समझ के आप एक सवाल नंबर 7 का स्वयं हल करना। अब आगे की प्रश्नावली हम आपको कल नए वीडियो में सिखाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।